वेव्स हमने पढ़ा क्या है, किसी भी डिस्टरबेंस का मीडियम में आगे बढ़ना वेव कहलाता है। और वेव है दो तरह की, एक ऐसी वेव जिनको बनने के लिए, जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। पानी के ऊपर लहरें हैं, पानी के ऊपर आपको लहरें बनानी, तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? पानी के ऊपर अगर आप लहरें बनाना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? पानी तो हो, तभी तो पानी के ऊपर लहरें बनेंगी। आप रस्सी में अगर आप वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? रस्सी तो हो, तभी तो उसमें बनेंगी वाइब्रेशन। तो ये वेव्स ऐसी हैं जिनको बनने के लिए, जिन्हें चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ये वेव्स कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव हमारी साउंड है, साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए कोई ना, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकती। साउंड आप तक पहुंचती है कैसे? कि सोर्स ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इस एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर दिया, और ये डिस्टरबेंस आप तक पहुंच गया, बस साउंड हो गई। दूसरी तरह की वेव्स होती हैं जिन्हें बनने के लिए, चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सूरज से हम तक लाइट आ रही है, हमारे और सन के बीच में करोड़ों अरबों किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा है जहां कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्री स्पेस, ना एयर है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है वहां, लेकिन फिर भी लाइट हम तक आ रही है। लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां मीडियम के पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते चलने में और बनने में। साउंड के चलने में, साउंड वेव्स के बनने में मीडियम के पार्टिकल इन्वॉल्व है। मीडियम के पार्टिकल आप वाइब्रेट करेंगे तभी साउंड बनेगी, तभी साउंड चलेगी। रस्सी में अगर लहरें आप बनाना चाहते हैं तो रस्सी पूरी इन्वॉल्व है वहां, रस्सी ही तो ऊपर नीचे मूव करेगी तब उसमें वेव्स आगे बढ़ेंगी। लेकिन ऐसी वेव्स जिन्हें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th क्लास में नेक्स्ट ईयर इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं केवल मैकेनिकल वेव, जबकि होता दोनों के साथ एक जैसा ही है। बस सिर्फ इतना है कि उन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए, उन्हें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, बाकी दोनों के बिहेवियर एक जैसे हैं, करेक्ट। तो हम लिखते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स में लिखते हैं द वेव्स दैट रिक्वायर मेटीरियल मीडियम, द वेव्स दैट रिक्वायर मेटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, द वेव दैट रिक्वायर मेटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल साउंड फॉर एग्जाम्पल साउंड रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस एंड द वेव फॉर्म्ड इन स्ट्रिंग, वेव फॉर्म्ड इन स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके। और अब इन मैकेनिकल वेव्स में भी और दो तरह की वेव्स हैं। कैसे हैं दो तरह की वेव्स? आपने एक रस्सी ली, रस्सी का एक सिरा आपने यहां बांध दिया दीवार से, और एक जो रस्सी का खुला सिरा है, ओपन एंड है रस्सी का, इसे आपने वाइब्रेट कराया, तो रस्सी में लहर सी बन जाएंगी जो आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। कैसे बढ़ रही है?
कि जो रस्सी का ये पार्ट है, ये पार्टिकल है जो पहले स्ट्रेट लाइन में था, ये अपनी जगह से उठकर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर ये पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आ गया अपनी जगह से। अच्छा, कुछ मोमेंट के बाद अगर आप इसकी ही स्थिति देखेंगे, इसी रस्सी की पोजीशन आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी मैंने इस रस्सी के वाइब्रेट करते हुए दो बार फोटो खींचे, एक बार तो ये यहां थी, अगली बार ये यहां थी। जो पार्टिकल पहले ऊपर था वो पार्टिकल अब नीचे है, इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे तक गया, फिर नीचे से उठकर ऊपर जाएगा। पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है? ये सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है? ये आप रस्सी पर कहीं गांठ लगा दीजिए, ये गांठ आपको ऊपर नीचे चलती हुई दिखाई देगी, जबकि वेव मोशन परपेंडिकुलर है। वेव चल रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेशन है वाई एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन। किसके परपेंडिकुलर है? वेव मोशन के परपेंडिकुलर है वाइब्रेशन। इस तरह की वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, वेव चल रही है ये, लेकिन मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, जैसे पानी के ऊपर लहरें हैं, लहर आपको फैलती हुई दिखाई देगी, लेकिन पानी नहीं गया उसका साथ में। अगर कहीं कोई चीज पड़ी हुई तैर रही है तो वो तैरती हुई चीज वहीं अपनी जगह ऊपर नीचे आपको वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी। वाइब्रेशन ये है, मोशन ये है, वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। कुछ वेव ऐसी होती है जिसमें वाइब्रेशन, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन मोशन ऑफ वेव के पैरेलल है, मोशन ऑफ वेव के पैरेलल है। अब ऐसी वेव नॉर्मल लाइफ में हमें दिखाई नहीं देती, जबकि साउंड वेव्स हमारी ऐसी ही है। साउंड वेव्स कैसे चलती हैं? साउंड वेव कैसे चलती हैं? ये मैंने बनाई एयर, ये एयर की लेयर्स बना ली। क्या है ये? एयर्स की परतें, लेयर्स, जैसे कि आपके बुक में, किताब में ये पेजेस हैं, ऐसे ये एयर की लेयर्स हैं। ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, ठीक। और आपने यहां एक रखा हुआ स्पीकर साउंड का, साउंड जनरेट करने के लिए आपने यहां स्पीकर लगा दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीकर में जब साउंड निकलती है तो उसमें क्या होता है, उसका जो डायफ्राम है, पर्दा, आगे पीछे हिलता रहता है। देखा कभी किसी ने टच करते हुए? दिखाई भी देता है बड़े बड़े स्पीकर में, दिखाई देता है मोशन होते हुए। तो अब क्या हुआ कि इस स्पीकर ने साउंड प्रोड्यूस करी, तो इसका जो डायफ्राम है, ये पूरा डायफ्राम बाहर की तरफ गया, और बाहर की तरफ जाने पर इसने क्या काम किया कि अपने सामने की जो लेयर्स थी एयर की, उन्हें पास पास कर दिया, बाकी लेयर्स अपनी जगह। बाकी लेयर्स कैसी? अपनी जगह है, वही अपनी इनकी नॉर्मल पोजीशन। स्पीकर के डायफ्राम ने आगे बढ़ा, डायफ्राम स्पीकर का, तो इसने इन लेयर्स को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? तो हम यहां कहेंगे ये बन गया कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन हुआ ये, लेकिन इलास्टिक नेचर के कारण ये सब वापस अपनी जगह आने की कोशिश में रहेगा। जब ये नॉर्मल लेयर थी एयर की, और यहां से स्पीकर ने इन्हें धकेल के यूं ही मिला दिया, कंप्रेस कर दिया, लेकिन ये वापस खुलेंगे इलास्टिक नेचर के कारण। जब ये वापस खुलेंगे तो क्या हुआ? जब ये खुलेंगे तो इन्होंने बराबर वाली, इधर भी और इधर भी, बराबर वाली लेयर्स को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। बराबर वाली लेयर्स क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, और यहां ये लेयर्स दूर दूर चली गई, और बाकी पोजीशन आपकी क्या है? वही अपनी नॉर्मल पोजीशन। फिर जब ये कंप्रेशन खुलेगा तो इसने अपने बराबर में कंप्रेशन क्रिएट कर दिया, एक कंप्रेशन यहां इधर क्रिएट, और बाकी ये, तो दो तरीके से बन जाते हैं, एक तो कंप्रेशन बन जाता है और बीच बीच में उनके रेरिफिक्शन। फिर ये कंप्रेशन बन गया, फिर ये रेरिफिक्शन बन गया, यहां रेरिफिक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एयर का पार्टिकल जब ये पास पास आया तो ऐसे मूव करा इन्होंने, कैसे, और जब ये दूर गए तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करा इन्होंने। जब ये कंप्रेशन है, ये मूव करा, रेरिफिक्शन हुआ तो ये गए, और वेव मोशन आपका कहां है? वेव मोशन ये है, ऐसे चल रही है वेव। देखिए ध्यान से आप, जिस तरफ वेव चल रही है उसी के पैरेलल ये वाइब्रेट कर रहे हैं।
वेव के पैरेलल, ये वेव का मोशन है, तो मेरी उंगली देखिए आप, नाखून देखिए आप, ये जो नाखून चल रहा है कैसे चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, किसके पैरेलल चल रहा है, वेव मोशन के पैरेलल। इस तरह की वेव्स को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जब पार्टिकल के मीडियम वाइब्रेट करें परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो ट्रांसवर्स वेव, और जब पार्टिकल के मीडियम वाइब्रेट करें पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी कोई हेडिंग डाली आपने क्या, अभी हेडिंग नहीं डाली, तो हेडिंग डालते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। लिखते हैं इसे द वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, द वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स ऑन वाटर सरफेस एंड वाइब्रेशन ऑफ स्टिंग, एंड वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव, LONGI, TUDINL, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। The wave motion in which particle of medium moves longitudinally parallel to the direction of propagation of wave, parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. For example, sound waves.